रिश्तों में भी दिक्कत है क्या बीजेपी आरएसएस के? आपने बड़ी सही बात पकड़ी है। दरअसल वही बात केजरीवाल साहब, वो फॉल्ट लाइन जो है बीजेपी आरएसएस के बीच में ना, केजरीवाल बहुत शातिर मतलब बहुत होशियार नेता है, मतलब नहीं शातिर भी कह सकते हैं, ऐसा कौन सा शातिर थोड़ा शब्द नहीं, गैर संसदीय नहीं है लेकिन थोड़ा उसको एक नकारात्मक रूप में देखा जाता है। मैं बहुत होशियार राजनेता है और वो फॉल्ट लाइन हमेशा ढूंढते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में योगी और केंद्र अमित शाह के बीच में जो तनातनी मानी जाती है, मतलब जिस उसको खोजा उन्होंने, कोई वजूद ही नहीं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजनीति का टॉकिंग पॉइंट बना दिया उन्होंने, टॉकिंग पॉइंट बना दिया। और उसको देखिए 16 मई मुझे तारीख ध्यान है और 5-7 दिन तक तो चर्चा अब बीजेपी इसी मुद्दे पर, बीजेपी डिफेंसिव हो गई उस पर। हाँ। और वही जो अभी चर्चा आरएसएस और सरकार के बीच में जो तनातनी की खबरें आती हैं और मोहन भागवत जी के बयान से लगता है, तो केजरीवाल ने फिर उसी मर्म में जो है निशाना साधा है कि भाई ये सवाल है जनता के बीच में, हम पूछ रहे हैं। उन्होंने एक तरह से अपने आप को जनता का प्रतिनिधि बना दिया। केजरीवाल की नजदीकियां हमेशा चर्चा का विषय रही हैं आरएसएस के साथ कि भाई उनका कोई ना कोई ये रिश्ता कुछ तो है। देखिए जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो ये बात बार बार आती थी कि इसके पीछे जो है इसकी सूत्र कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ते हैं। और ये बात अभी आशुतोष भी कह रहे हैं कि उसमें सारे लोग थे, लीडरशिप नहीं थी उनके हाथ में, तो लीडरशिप जाहिर है वो कन्वीनिएंट बात कह गए, कन्वीनिएंट बात कह गए। नहीं लीडरशिप तो वो चाहते नहीं थे, चाहते नहीं लीडरशिप चाहते थे, फिर तो वो बीजेपी का ही, फिर आंदोलन ही डिस्क्रेडिट हो जाता, डिस्क्रेडिट हो जाता, फिर उसकी जो साख थी उस आंदोलन की वो खत्म हो जाती। तो उसमें बहुत सारे लोग, किरण बेदी बाद में वो चेहरा बन गई, वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ी, अनुपम खेर, ये तमाम लोग वहां पर मंच पर अरविंद जी के साथ, ज्यादातर लोग जो छोड़ के गए हैं वो बीजेपी में गए हैं। हाँ। किरण बेदी, अश्विनी उपाध्याय, शाजिया इल्मी, कपिल मिश्रा, अनुपम खेर, मनोज तिवारी वहां दिखते थे। जो अरविंद केजरीवाल जी और किरण बेदी जी, मेरी जो जानकारी है जब अन्ना जी से मिलने गए थे तो केजरीवाल जी किरण बेदी को लेकर ही वहां पर गए थे, उनके साथ ही वो मुलाकात हुई थी। हाँ, और वहां पर आंदोलन में रहे थे एसएस रविशंकर को ले लें, बाबा रामदेव को ले लें। हाँ, किरण बेदी को ले लें, बहुत आंदोलन के बड़े चेहरे संगठन का निवेश भी होते थे। बिल्कुल, स्वामी अग्निवेश को आउट किया गया इसीलिए कि वो आरएसएस संबल के साथ उनकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन को लीक करके और हाँ। ये आउट किया गया कि वो क्योंकि आरएसएस से उनकी दूरी थी, वो आरएसएस के खिलाफ रहते थे इसलिए वो आउट किए गए। तो ये सब चीजें तो थी, लेकिन हम अपने इस पे आते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बड़े होशियारी के साथ, चूंकि उन्हें दिल्ली में एक नैरेटिव बनाना है और उन्होंने अपने को एक तरह से जनता का प्रतिनिधि पेश करते हुए कि हम ये सवाल पूछ रहे हैं आरएसएस से, यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं, वो भारतीय जनता की तरफ, दिल्ली की जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं, इस तरह से उन्होंने पेश किया। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं उससे भी ध्यान डाइवर्ट करें, बिल्कुल सवाल तो उनसे जो पूछे जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं जो अभी महेश वर्मा जी कह रहे हैं या अभी कपिल मिश्रा का जो ट्वीट आया है कि भाई आप सवालों जवाब दीजिए, उन्होंने कहा नहीं पहले इनके सवालों जवाब ले लो। तो सवालों की राजनीति वो कर रहे हैं और एक तरह से नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।